हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज पोटेशियम। यू कैन नॉट गो टू एग्जाम विदाउट नोइंग द पोटेशियम। अगर आपको पोटेशियम के बारे में नहीं पता तो आप एनक्लेक्स को पास नहीं कर सकते, बिकॉज ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन पोटेशियम के ऊपर ना आए। सो पोटेशियम इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो फॉर एनक्लेक्स पॉइंट ऑफ व्यू। आज मैं आपको कंसाइजली बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा पोटेशियम के बारे में। सो पोटेशियम की जब भी बात होगी, पहली चीज, पोटेशियम का साइन होता है के से। थिंक अबाउट के इज किंग, पोटेशियम इज किंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। एंड सेकेंड थिंग, ऑलवेज थिंक अबाउट, जब भी पोटेशियम की बात होगी थिंक अबाउट हार्ट। पोटेशियम कम होगा, पोटेशियम ज्यादा होगा, हमारे कहाँ पर असर होगा? हार्ट के ऊपर, कार्डियक डिसरिथमियास होंगे। हाइपोकैलीमिया एंड हाइपरकैलीमिया बोथ आर लाइफ थ्रेटनिंग, ऑलवेज मेक श्योर। कभी भी हमें प्रायरिटी डेलीगेशन के क्वेश्चन आए, वहां पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों लैब वैल्यूज दे रखी हैं और वहां पर एक पोटेशियम दे रखा है, पोटेशियम कम है, पोटेशियम ज्यादा है, ऑलवेज मोस्ट ऑफ द टाइम, 99% ऑफ द टाइम चूज दैट ऑप्शन, क्योंकि पोटेशियम बहुत ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग है। सो टॉकिंग अबाउट पोटेशियम की नॉर्मल वैल्यू, दैट इज 3.5 to 5। इफ इट इज लेस देन 3.5, इसको बोलते हैं हाइपोकैलीमिया, लाइफ थ्रेटनिंग। इफ इट इज मोर देन 5, इसको बोलते हैं हाइपरकैलीमिया, दैट इज ऑल्सो लाइफ थ्रेटनिंग। जब भी हम बात करते हैं किसी लैब वैल्यूज की, हम उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ए बी सी डी। पोटेशियम की जो लैब वैल्यूज है, ऑल्ट्रेशन, वो 2 कैटेगरीज में आती है, सी ओ टी, लाइफ थ्रेटनिंग, दोनों ही हमारी प्रायोरिटी होती है। ए और बी में जो हमारी लैब वैल्यूज आती है, उनसे एक पेशेंट की डेथ नहीं होगी, बट अगर पोटेशियम की वैल्यूज कम या ज्यादा होगी, पेशेंट इज गोइंग टू डाई विद इन 2 मिनट्स, मेक श्योर करना, इतनी बड़ी प्रायोरिटी है पोटेशियम की। सो पहले मैं आपको हाइपोकैलीमिया के बारे में बताऊंगा, देन आई विल टॉक अबाउट हाइपरकैलीमिया। टॉकिंग अबाउट हाइपोकैलीमिया, लेस देन 3.5 होता है हाइपोकैलीमिया, और ये क्या है, हमारी क्या है, मेडिकल इमरजेंसी है। जब भी पोटेशियम कम होगा, ज्यादा होगा, पहली नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, टू पुट द पेशेंट ऑन कार्डियक मॉनिटर। हम पेशेंट को ईसीजी के ऊपर लगा देंगे, इस चीज को पल्ले बांध लेना, वहां पर दे रखा है पेशेंट की पोटेशियम की वैल्यू 3.5 से कम है या 5 से ज्यादा है। आरएन की सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, टू पुट द पेशेंट ऑन कार्डियक मॉनिटर, इसको टेली मॉनिटरिंग भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पेशेंट के रिदम को चेक करना होता है, पेशेंट के रिदम में ऑल्ट्रेशन आती हैं, तो हम कैसे चेक कर पाएंगे जब तक हम पेशेंट को ईसीजी या कार्डियक मॉनिटर पर नहीं डालेंगे, हम चेक नहीं कर सकते। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पुट द पेशेंट ऑन टेली मॉनिटरिंग या कार्डियक मॉनिटर, फॉलोड बाय हमें क्या चेंजेस मिलेंगे एग्जाम के लिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी पोटेशियम कम होगा, आपको ईसीजी चेंजेस पर क्वेश्चन आएंगे, 2 चेंजेस आते हैं, आइदर फ्लैट टी वेव, पहला चेंज क्या होगा, फ्लैट टी वेव, फॉलोड बाय एसटी वेव डिप्रेशन। एसटी वेव क्या हो जाएगी, डिप्रेस हो जाएगी। मैं कैसे याद रखता हूं, पोटेशियम भी कम हुआ, एसटी वेव भी क्या हो गई, डिप्रेस होगी। इन 2 चीजों को याद रखना। सबसे पहले क्या होता है, अगर थोड़ी सी पोटेशियम में फ्लक्चुएशन हो, फ्लैट टी वेव, अगर फ्लक्चुएशन और ज्यादा हो जाए, एसटी वेव डिप्रेशन। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, किडनीज आर द मास्टर रेगुलेटर ऑफ पोटेशियम। हमारी बॉडी में कितना पोटेशियम होगा, उसको कौन रेगुलेट करते हैं, किडनीज करते हैं। इन केस ऑफ किडनी फेलियर, हमारे पोटेशियम में क्या आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है। सो सेकेंड थिंग, जब भी हमें ऐसा कोई साइन दिखे, ऑलवेज मेक श्योर करना पेशेंट को पोटेशियम देना। सो कैसे पोटेशियम देते हैं, पोटेशियम हम 2 रूट से देते हैं, आइदर ओरल, सेकेंड वन इज हम आईवी की फॉर्म में देते हैं। टॉकिंग अबाउट ओरल, मेक श्योर करना हम कभी भी पोटेशियम की टेबलेट को क्रश नहीं कर सकते, इट इज एक्सटेंडेड रिलीज मेडिकेशन, यू कैन नॉट क्रश, यू कैन नॉट च्यू। पेशेंट को एजुकेट करना है, इस मेडिकेशन को स्वेलो करना है विद फुल ग्लास ऑफ वाटर आफ्टर फूड। नेवर एवर गिव पोटेशियम टेबलेट बिफोर फूड, अदरवाइज पेशेंट को जीआई अपसेट हो जाएगा। टॉकिंग अबाउट पोटेशियम आईवी रूट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको पता होनी चाहिए, पोटेशियम कैन नॉट पुश, यू कैन नॉट पुश द पोटेशियम। पोटेशियम हमेशा कैसे जाता है, आईवी इन्फ्यूजन के रूट से जाता है और डेल्यूशन फॉर्म में जाता है। आप उसको कंसंट्रेटेड फॉर्म में पुश कर दिया और पेशेंट वहीं के वहीं मर जाएगा, विद इन 2 मिनट पेशेंट की डेथ हो जाएगी। सो मेक श्योर करना पोटेशियम कैसे जाएगा, डेल्यूटेड फॉर्म में और इन्फ्यूजन की फॉर्म में, मोर देन 1 आवर, 1 घंटे से ज्यादा टाइम लेते हैं हम पोटेशियम की रिकमेंडेड डोज को देने के लिए। अगर हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन आए, डॉक्टर हैज रिकमेंडेड पोटेशियम विद इन 30 मिनट, नो, क्वेश्चन द फिजिशियन ऑर्डर, वी कैन नॉट एडमिनिस्टर पोटेशियम विद इन 1 आवर, 1 घंटे से ज्यादा का टाइम लेना होता है हमने पोटेशियम को एडमिनिस्टर करने के लिए। द लास्ट गोल्डन पॉइंट विद पोटेशियम, पोटेशियम की जो रिकमेंडेड डोज होती है एक टाइम में, दैट इज 20 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ये रिकमेंडेड होती है। इन
वर्स्ट केस सिनेरियो यू कैन नॉट एडमिनिस्टर मोर देन 40 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। जब भी 40 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर पे आप अपने पोटेशियम को एडमिनिस्टर करना है, पेशेंट शुड बी ऑन कार्डियक मॉनिटर। मोर देन 40 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर कभी जा ही नहीं सकती पेशेंट को। अगर हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन आया पेशेंट इज इन सीवियर हाइपोकैलेमिया, फिजिशियन ने रिकमेंड किया 50 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, यू कैन नॉट एडमिनिस्टर, क्वेश्चन द फिजिशियन ऑर्डर। दैट इज ऑल अबाउट पोटेशियम। पोटेशियम की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब भी पोटेशियम कम होगा किसकी बात करनी है, अपने पेशेंट को कार्डियक मोनिटर पे डालना है। दो फॉर्म में देते हैं, टेबलेट फॉर्म में, क्रश नहीं कर सकते, चू नहीं कर सकते। लास्ट थिंग साइन एंड सिम्टम क्या आएंगे, सबसे क्लासिकल याद रखना है ECG चेंजेस। क्या चेंजेस आएंगे, टी वेव क्या हो जाएगी, हमारी फ्लैट हो जाएगी या ST डिप्रेशन हो जाएगा। एंड जब भी हम IV फॉर्म में देंगे पेशेंट को पुश नहीं करना, डिल्यूशन फॉर्म में देना है, इन्फ्यूजन के साथ देना है, 1 घंटे से ज्यादा टाइम लेकर देना है। एंड मोर ओवर कैन नॉट एडमिनिस्टर मोर देन 40 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, वो भी पेशेंट कार्डियक मॉनिटर पे होना चाहिए। दैट इज ऑल अबाउट हाइपोकैलेमिया। नाउ टॉकिंग अबाउट हाइपरकैलेमिया, नॉर्मल पोटेशियम की वैल्यू होती है अपर रेंज, दैट इज 5। इफ इट इज मोर देन 5, ये किस कंडीशन में आता है, हाइपरकैलेमिया में। अब इस चीज को अच्छे से समझ लेना, इफ पोटेशियम लेवल इज मोर देन 5.3 तो पेशेंट की कैटेगरी क्या हो जाएगी, सी कैटेगरी, पेशेंट के लिए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, पेशेंट कैन डाई विद इन 2 मिनट्स। इफ इट इज मोर देन 6 तो पेशेंट की कैटेगरी क्या हो जाएगी, डी कैटेगरी हो जाएगी। सेम पेशेंट, इंटरवेंशन सेम होती है बट एक फर्क होता है सी कैटेगरी में और डी कैटेगरी में। ऑलवेज रिमेंबर, इफ पेशेंट इज इन डी कैटेगरी, RN cannot leave the bedside. RN उस पेशेंट को छोड़ नहीं सकती, पेशेंट 2 मिनट में मरने वाला है, और यू cannot leave the bedside. सी कैटेगरी में भी इंटरवेंशन सेम होगी, डी में भी इंटरवेंशन सेम होगी। द ओनली डिफरेंस इज सी कैटेगरी में RN कैन लीव द बेडसाइड, वो भाग भाग कर पेशेंट को ट्रीट कर सकती है, बट डी कैटेगरी में RN कैन नॉट लीव द बेडसाइड। ट्रीटमेंट RN जस्ट कमांड करेगी, यू नो अदर विल हेल्प, RN कैन नॉट लीव द बेडसाइड। तो मेक श्योर करना नॉर्मल पोटेशियम की वैल्यू क्या होती है, अपर रेंज दैट इज 5। इफ इट इज मोर देन 5.3 सी कैटेगरी में आ जाएगा, मेडिकल इमरजेंसी है पेशेंट हमारे के लिए। इफ इट इज मोर देन 6 पेशेंट डी कैटेगरी में आ जाएगा, अगेन मेडिकल इमरजेंसी है। दोनों का ट्रीटमेंट सेम होगा बट एक डिफरेंस क्या, RN कैन नॉट लीव द बेडसाइड इफ पेशेंट इज इन डी कैटेगरी। टॉकिंग अबाउट क्या क्या इंटरवेंशन होगी, द वेरी फर्स्ट थिंग इज पेशेंट का जो पोटेशियम जा रहा है, इमीडिएटली होल्ड द पोटेशियम, पुट द पेशेंट ऑन कार्डियक मॉनिटर। आई टोल्ड यू कार्डियक मॉनिटर पर डालना पेशेंट को बहुत ज्यादा जरूरी है, तो हम कार्डियक मॉनिटर पर डालेंगे। ECG चेंजेस क्या आएंगे, उस कंडीशन में क्या आ रहे थे उससे बिल्कुल उल्टे आएंगे। टी वेव क्या होगी, पीक टी वेव, पोटेशियम बढ़ रहा है, पी वेव भी क्या कर रही है, पीक कर रही है, फॉलोड बाय ST एलिवेशन, ST वेव क्या करेगी, एलिवेट करेगी। वहां पर पोटेशियम कम हो रहा था, ST डिप्रेशन हो रही थी, यहां पर पोटेशियम बढ़ रहा है, ST एलिवेशन होगा, ऑलवेज कीप इन माइंड। फॉलोड बाय पेशेंट को क्या क्या ट्रीटमेंट देना होता है, अपने पोटेशियम को तो होल्ड कर दिया, पहली चीज देंगे K एक्सलेट, एक ट्रेड नेम है जिसका केमिकल नेम क्या है, सोडियम पोलिस्टाइरिन सल्फोनेट। मेक श्योर करना दोनों नाम आपको पता होना चाहिए। लास्टली हम पेशेंट को क्या देंगे, इंसुलिन विद डेक्सट्रोज, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इंसुलिन क्यों देंगे। इंसुलिन का सभी को ये काम तो पता है कि इंसुलिन का एक काम होता है, जो हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट है उसे सेल्स के अंदर लेकर जाती है, सेल्स के अंदर उसका मेटाबॉलिज्म होता है, बट बहुत कम बच्चों को ये चीज पता है कि इंसुलिन हमारे जो एक्स्ट्रा सोडियम, जो हमारी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा पोटेशियम है, पोटेशियम को उठाकर सेल्स के अंदर लेकर जाती है, बिकॉज पोटेशियम इज इंट्रासेलुलर आयन, वो सेल्स के अंदर तो बहुत ज्यादा है, सेल्स के अंदर जितना मर्जी जाए वी डोंट इवन केयर, बट ब्लड में कम होना चाहिए। तो इंसुलिन हम एडमिनिस्टर करते हैं, इंसुलिन हमारे पोटेशियम को ब्लड में से उठाकर कहां पर ले जाती है, सेल्स के अंदर। तो पेशेंट का जो हाइपरकैलेमिया था, इंक्रीज पोटेशियम इन ब्लड, वो क्या हो जाता है, ट्रीट हो जाता है। बट ये दोनों ही पेशेंट हमारी प्रायोरिटी है, हाइपर हाइपो, ऑलवेज पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, पेशेंट को कार्डियक मॉनिटर पे डालना, उसके बाद हमारी ECG चेंजेस देखना। ECG दोनों चेंजेस बता चुका हूं, ट्रीटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेक श्योर करना ये पोटेशियम वाली वीडियो आप बार बार देखे, बिकॉज विदाउट नोइंग द पोटेशियम यू कैन नॉट गो टू एग्जाम। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विद दो स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर NCLEX। मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाता रहूंगा। थैंक यू।